पिछले क्लास में हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे और फिर उसके बाद बताया गया था कि अलग अलग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होने के कारण एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदलने का टेंडेंसी होता है और जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का शिफ्टिंग होता है विद इन द मॉलिक्यूल। इसी शिफ्टिंग का रिलेटिव एबिलिटी अलग अलग ग्रुप को शिफ्टिंग के लिए कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट के लिए अलग अलग टेंडेंसी होता है, अलग अलग एबिलिटी होता है। उसी एबिलिटी को हम लोग माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के टर्म में डिफाइन करते हैं, जिसका कि ऑर्डर आपको लिखा गया था पिछले क्लास में। अब ये ऑर्डर जो है अलग अलग कारणों से आता है, ये ऑर्डर एक कारण से नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी में एक ही कारण है, ऑर्डर अलग अलग कारण से है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इसलिए H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट सबसे आसान होता है, हाइड्राइड का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ H माइनस हैज H माइनस इज ए स्मॉलर आयन, H माइनस इज ए स्मॉलर आयन which is shifted easily, जो कि आसानी से शिफ्ट करता है। तो H माइनस का मतलब हाइड्राइड का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, इसका कारण होता है H माइनस का शिफ्टिंग सबसे आसान होगा बिकॉज वह छोटा ग्रुप है। अगर हम बात करें इन दोनों सिचुएशन का, पीएच और सीएच डबल बॉन्ड सीएच टू का, तो इन सब का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का कारण होता है इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ नियर बाई केटायन, ठीक है, इसका होता है ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ नियर बाई केटायन। नियर बाई केटायन के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है जिसके कारण से इसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। बात अगर हम इस केस की करें, ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल और मिथाइल ग्रुप का, तो यहां पर जो होगा ड्यू टू रिलेटिव अस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म, ड्यू टू रिलेटिव अस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म के कारण ऐसा सिचुएशन, ऐसा ऑर्डर होता है। मतलब साफ यह है, हम लोग H माइनस को सबसे आसानी से शिफ्ट करते हैं बिकॉज H माइनस का शिफ्टिंग रियल में आसान होता है, H माइनस एक बहुत स्मॉलर आयन। उसके बाद PH माइनस और CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस का शिफ्ट किया जाता है बिकॉज इन सभी का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन में रहता है, उसके साथ अट्रैक्शन में रहता है, जिसके कारण से बहुत आसानी से पुल करता है। और अगर हम इन सभी अल्काइल ग्रुप के स्टेबिलिटी की बात करें, इन सभी अल्काइल ग्रुप की बात करें, तो अल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री अल्काइल का सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल को शिफ्ट करने पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री को करने पर ज्यादा स्टेबल बनेगा कंपेयर टू 1 डिग्री, एंड देन सिंपली और विथ सीएस। तो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड अलग अलग कारणों से होता है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म ही कारण होगा, अलग अलग कारण है। अब इन सभी को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं इन सभी माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के केस को, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास है CH3, CH और PH,
और बगल में CH2+। ठीक है, और अगर आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड याद है, अगर आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड पता है तो आपको पता होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट करना सबसे यहां पे बेहतर होगा। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड हाइड्राइड का, उसके बाद पीएच का, उसके बाद CH3 का। तो हाइड्राइड का हम शिफ्ट करेंगे H- शिफ्ट, और H- शिफ्ट करके हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा, CH3+PH और CH3। ये होगा पहला केस। दूसरा केस अगर आपको कहा जाए CH3, C2H5 और फिर पीएच का CH2+। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की, अगर आप माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के आधार पर देखो तो पीएच का शिफ्टिंग होगा। हालांकि अगर आप स्टेबल बनाने का प्रयास करोगे तो पीएच का शिफ्ट नहीं करोगे, लेकिन आपको पता है कि पीएच का ही शिफ्टिंग होगा, बिकॉज पीएच का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पीएच का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका इसके साथ इंट्रैक्शन होता है, और इसलिए यही ग्रुप शिफ्ट करेगा यहां पर PH- शिफ्ट। और PH- शिफ्ट होने के कारण आपको जो कंपाउंड, मतलब जो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो दिस वन बनेगा CH5, CH2 और PH। ये भले कम स्टेबल है, अगर आप देखो इन सब को करके मागे तो आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन हमने आपको बताया कि पीएच के केस में या सीएच डबल बॉन्ड सीएच टू के केस में आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, बिकॉज इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इस पॉजिटिव चार्ज का इंट्रैक्शन है। अगर आपको कहा जाए दिस वन, इसमें माइग्रेशन करके दिखाइए, NH2 और CH2+। अब अगर हम आपसे कहें माइग्रेशन कीजिए, तो जैसा आप देख सकते हो कि इसमें सभी का सभी पीएच है और एक में पीएच में NH2 ग्रुप लगा हुआ है। आपको बताया गया इन सभी केस में जो है इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद पॉजिटिव चार्ज के कारण माइग्रेशन होता है। तो जैसा आप देख सकते हो कि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसलिए यहां पर इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और इसलिए यही ग्रुप माइग्रेट करेगा और मतलब PH NH2 शिफ्ट होगा यहां पर। ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज यहां पर पीएच ग्रुप के माइग्रेट करने का कारण होता है क्या, इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए ऐसा ग्रुप जिसमें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो पीएच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा उसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू अदर ग्रुप, अदर पीएच ग्रुप। तो इसलिए आप देखोगे कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कुछ और केस लेते हैं, सभी में माइग्रेशन करने का कुछ लॉजिक है और अलग अलग कारण है, अलग अलग लॉजिक है। जैसे कि अगर हम चौथा केस लें, आपके पास है CH3, आपके पास है C2H5 और आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर आप माइग्रेशन करोगे फिर वही बात, इस पाई इलेक्ट्रॉन का इसके साथ इंट्रैक्शन होता है, इसलिए यही शिफ्ट करेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये शिफ्ट करेगा तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C2H5 और फिर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस विल बी द कार्बोकेटायन फॉर्म आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर हम फिफ्थ एग्जांपल की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH CCH3 और फिर CH डबल बॉन्ड CH NO2, और उसके बाद हम इसको CH2+ की बात करें
अब गौर कीजिए NO2 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने के कारण इसका शिफ्टिंग नहीं होगा, तो क्या होगा डायरेक्ट आप कह सकते हो इस ग्रुप का शिफ्टिंग होगा एट कार्बोकेटायन। तो आप कह सकते हो कि दिस वन होगा, इसका शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि NO2 एक एक्सेप्टर ग्रुप है, अगर यही एक हम डोनर ग्रुप रहते तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता और इसलिए वही माइग्रेट करता, लेकिन चूंकि यहां हम एक एक्सेप्टर ग्रुप लिए हैं इसलिए आपका यहां पर इस तरह शिफ्ट होगा और आपका बन जाएगा प्रोडक्ट फाइनल, प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा NO2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C CH3 और फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट का केस है इन डिफरेंट केस। अब अगर हम आपको अल्काइल ग्रुप का केस दिखाते हैं, CH3 C C2H5 CH2 CH3 और एक केस हम ले लेते हैं दिस वन और यहां पे CH2 प्लस कराते हैं। यहां देखिए CH3 है, यहां पे 1 डिग्री अल्काइल है, यहां पे 2 डिग्री अल्काइल है, तो आपको बताया गया है कि इस केस में आप शिफ्ट करोगे किसको, इस केस में आप करोगे 3 डिग्री 2 डिग्री को, 3 डिग्री तो है नहीं हमारे पास, 2 डिग्री करेंगे, क्यों करेंगे हम बारी बारी से दिखाते हैं। यहां पर स्टेबिलिटी मैटर करता है, तो अगर हम CH3 शिफ्ट करते हैं तो आपके पास बनेगा दिस वन CH3 CH2 C पे प्लस CH CH3 और CH3 और फिर CH2 CH3। अगर हम 1 डिग्री को करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, तो आपके पास बनेगा CH3 C प्लस CH2 CH2 CH3 और फिर CH CH3 और CH3। और अगर हम CH CH3 शिफ्ट करते हैं तो आपके पास बनेगा CH3 C पे प्लस CH2 CH3 और उसके बाद CH2 CH CH3 और CH3। ठीक है, अब अगर इन सभी केस को देखा जाए तो आपके पास यहां पर दो दो चार एक पांच हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, यहां पर तीन एक चार और दो छह हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है और यहां पर तीन दो पांच और दो सात हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, ये मोर स्टेबल होगा और इसीलिए शिफ्टिंग क्या होगा इसका होगा। तो ये क्लियर है कि माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड में हम लोग अदर अलग अलग फैक्टर कंसीडर करते हैं इन माइग्रेशन। अगर बात पाई बॉन्ड को का हो, बात पीएच रिंग का हो, तो इंट्रैक्शन देखा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का विद पॉजिटिव चार्ज। अगर अल्काइल ग्रुप का बात हो तो स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड विच ग्रुप विल शिफ्ट, और उसी के आधार पर आपको बताया गया है कि माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड 3 डिग्री अल्काइल का सबसे ज्यादा और CH3 का सबसे कम। अब माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड का तरीका, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड का ऑर्डर आप समझ चुके होंगे। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, डू कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, रिअरेंजमेंट इन फॉलोइंग केस, फॉलोइंग केस आपके पास है। पहला हम देते हैं एग्जाम्पल आपको सी पी एच सी एस टू सी एस टू सी एस टू दिस वन प्लस और फिर सी एस टू। इसमें हम आपको कहते हैं पहला केस की कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट केस। इसमें आपको जैसा दिख रहा होगा कि प्लस के साथ प्लस पे अटैक, प्लस कहां अटैक करेगा,
जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा आपको दिख रहा होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अगर अटैक कर रहा होगा तो आप या तो इस तरफ से पाई इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ सकते हो, हमने इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ा, और अगर हमने ऐसा किया और फिर या फिर आप क्या कर सकते हो, हम ब्लू लाइन से अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम इस पाई बॉन्ड को जो इधर से ब्रेक किए, हम इस पाई बॉन्ड को इधर से ब्रेक करके इधर जोड़ सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं वन और रेड वाले को ही मान लेते हैं टू। याद रखिएगा जब भी आपको रिंग बनाना हो, रिंग तोड़ना हो, रिंग बनेगा क्योंकि ये और ये जुड़ रहा है, ये और ये जुड़ रहा है, रिंग बनाते समय और रिंग हटाते समय नंबरिंग कर लेना बहुत अच्छा रहता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए फर्स्ट केस में, और इधर रेड वाले से हम सेकेंड केस में लिखेंगे। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि आपने टू को फाइव से जोड़ा है, टू थ्री फोर फाइव, एंड दैट विल फॉर्म फोर मेंबर रिंग। आपने टू को फाइव से जोड़ दिया है, फाइव फोर से जुड़ा हुआ है, फोर थ्री से जुड़ा हुआ है टू। अब अगर जैसे ही आपने टू की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, आपके पास टू पे जो सी एच टू है उस पे प्लस रह गया, प्लस आ गया, आपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो इस पे प्लस आ गया, टू पे ही आपका पीएच ग्रुप है, और फाइव पे आप देख सकते हो कि आपके पास सी एच थ्री रह गया और फाइव पे प्लस हट गया है क्योंकि फाइव पे आपने पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अगर आप इस तरह से माइग्रेशन करोगे, इस तरह से आप शिफ्टिंग करोगे, कार्बोनियम अरेंजमेंट करोगे तो ये बने। और अगर हम सेकेंड तरीके से प्रोसीड करें तो आप देख सकते हो कि हमने वन को फाइव से जोड़ा है, तो वन फाइव फोर थ्री टू। जब वन को हम फाइव से जोड़ेंगे तो टू पे आ जाएगा प्लस, और टू पे ही है आपके पास, टू पे आपका पीएच ग्रुप लगा हुआ है, टू पे ही हो जाएगा प्लस, और फाइव पे आपका सी एच थ्री ग्रुप पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल में, इस पार्टिकुलर स्पेसिस में हो रहा है। इसमें प्लस चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसके साथ माइग्रेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट कर रहा है इन टू डिफरेंट वेज। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट वन, क्योंकि फाइव मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फोर मेंबर रिंग, और ये हर तरीके से ज्यादा स्टेबल लग रहा होगा, ये ज्यादा प्रीफर किया जाए। ठीक है, अगर हम और कुछ और एग्जाम्पल देते हैं इसी तरह का, कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये सिचुएशन है, ठीक है, तो फिर यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप पाई बॉन्ड को इधर से ब्रेक करके इधर जोड़ो, या फिर आप पाई बॉन्ड को इधर से ही ब्रेक करके इधर जोड़ो। वन और इसको हम कर देते हैं टू, क्योंकि ऐड करना जोड़ना अगर आना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब गौर कीजिएगा, अगर आपने फर्स्ट प्रोसीजर को फॉलो किया, आपके पास ये तो ठीक है सिक्स मेंबर रिंग है, और आपने क्या किया है टू पे, मतलब वन पे आ जाएगा प्लस, टू पे टू को आपने सिक्स से जोड़ा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, टू को आपने सिक्स से जोड़ा है, इसका मतलब आपके पास बनेगा टू है ये वन है, थ्री फोर फाइव सिक्स, और सिक्स पे आपका सी एच थ्री है, प्लस आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है जो रेड वाला किया है, केस हुआ है, तो आप देख सकते हो कि सिक्स मेंबर रिंग है और आपने वन को अटैच किया है सिक्स से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन,
प्लस चार्ज यहाँ पर टू पे आएगा बिकॉज इधर से ओपन हुआ है, और सिक्स पे आपके पास आएगा सीएफपी जो ऑलरेडी वहां पर है। इन दोनों केस में भी अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है हर तरीके से, आपको ज्यादा स्टेबल, ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो रहा होगा यहां, और ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट करते हैं विद इन द स्पेसिस। अगर पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और अदर ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन में आता है। एक्चुअल में थ्री मेंबर रिंग और फोर मेंबर रिंग एक स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए थ्री मेंबर रिंग और फोर मेंबर रिंग को एक्सपेंशन करने का टेंडेंसी होता है टू फॉर्म फाइव मेंबर रिंग एंड सिक्स मेंबर रिंग। ठीक है, सिमिलरली सेवन मेंबर रिंग और एट मेंबर रिंग हैव ऑल्सो एंगल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ विच they also have tendency to undergo ring contraction to form five member ring or six member ring. Ultimately point यही है कि three member ring हो या four member ring हो, three member ring और four member ring हो, ये जो होता है undergo expansion, अंडरगो एक्सपेंशन, ठीक है, और बना लेगा फाइव सिक्स मेंबर रिंग और फिर क्या होगा, ये जो है सेवन मेंबर रिंग और एट मेंबर रिंग, ये जो होगा अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और फाइव मेंबर रिंग सिक्स मेंबर रिंग बनाता है। ठीक है, कारण यही होता है कि यहां पर एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन होता है इन सभी रिंग में, इन सभी रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, और इसीलिए इन सभी को टेंडेंसी होता है इसमें लेस एंगल स्ट्रेन होता है, और इसलिए ये मोर स्टेबल है, और इसी कारण से जो रिंग एक्सपेंशन है थ्री मेंबर रिंग और फोर मेंबर रिंग एक्सपेंशन करता है, और सेवन मेंबर रिंग और एट मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब देखिए इसी का हम कुछ अब एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको दिया जाए दिस वन CH2+, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे तो यहां हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, कि हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करेगा जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन होगा तो बेहतर है कि हम नंबरिंग कर लें, तो वन टू थ्री फोर, तो आपने किया क्या है, फोर मेंबर रिंग इसको बनाया आपने, और आपने किया क्या है, वन से फोर को जोड़ दिया है, ठीक है, और टू और थ्री ऐसे है, सॉरी टू और थ्री ऐसे है, टू ये है और थ्री है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। एक्चुअल में जो फोर टू बॉन्ड था, पहले जो फोर टू बॉन्ड था उसको हटा करके हमने क्या किया है, फोर वन बॉन्ड बना दिया है, जो पहले फोर टू बॉन्ड था उसको हटा के हमने फोर वन बॉन्ड बना दिया है। जैसे हम यहां से बॉन्ड को हटाएंगे टू पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर हम आपको पास ये एग्जांपल देते हैं CH2+ और इधर देते हैं CH3, अब अगर हम आपको कहते हैं शिफ्टिंग कीजिए, तो आप गौर कीजिएगा कि होना तो आपको पता है कि रिंग एक्सपेंशन ही होना है, सवाल है कि ये वाला रिंग, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा कि ये वाला बॉन्ड, तो गौर कीजिए ये वाला बॉन्ड जो है वन डिग्री अल्काइल है, जबकि ये वाला बॉन्ड टू डिग्री अल्काइल है,
तो आपको पता है माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड से कि 2 डिग्री अल्काइल विल हैव हायर माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड कंपेयर टू 1 डिग्री अल्काइल। तो फिर 4 मेंबर रिंग बना और आपने किया क्या, 1 को 3 से अटैच किया, 1 3, और 3 2 बॉन्ड टूट चुका है जबकि 3 4 बॉन्ड मेंटेन है। 3 पे आपके पास CH3 है और 2 पे आपके पास फिर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 वाले बॉन्ड को 3 2 बॉन्ड को आपने हटाया है और इधर जोड़ा है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए, कुछ और केस हम लिखते हैं, अगर आपको कहा जाए दिस वन CH2 और इधर CH3 प्लस है और इसमें कहा जाए रिंग एक्सपेंशन कीजिए, तो आप समझ सकते हो फिर वही बात है इधर या इधर। तो आप देख सकते हो कि इधर वाला जो है 1 डिग्री अल्काइल है, इधर वाला 2 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री अल्काइल पहले शिफ्ट होगा और आपके पास है 1 2 3 4 5, और ऐसा करने पर आप देख सकते हो कि 5 मेंबर रिंग बन रहा है और 5 मेंबर रिंग में क्या है, 1 से 2 अटैच है, 3 4 5 को आपने 1 से अटैच किया, 5 2 बॉन्ड तोड़ा है, इसमें 2 पे हो जाएगा प्लस और 5 पे आपके पास CH3। तो इस तरह से आप नंबरिंग ऑफ रिंग करके आसानी से रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन का करके रिंग एक्सपेंशन के बारे में भी सीखेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, CH3 है प्लस इधर है CH3 और इधर है CH5, यहां पे आपको रिंग एक्सटेंशन करने की बात की जाए तो देखिए इधर भी आपके पास 2 डिग्री है और इधर भी आपके पास 2 डिग्री है, 1 2 3 4 5, अगर आप इसको एक्सटेंशन करते हो, 2 5 बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपके पास 5 मेंबर रिंग बनेगा इस तरह से, 1 2 3 4 5, 2 पे होगा प्लस, 2 पे होगा प्लस, 1 पे होगा CH3 और फिर 3 पे होगा CH5। और फिर अगर आप क्या करते हो, इस बॉन्ड को करते हो शिफ्ट, इस बॉन्ड को शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास बनेगा दिस वन, आपने किया क्या, 1 से 2 जुड़ा हुआ है, 2 के बाद 5 जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड को तोड़ दिया है, 4 और इधर 3 2 3 बॉन्ड को तोड़ करके वहां जोड़ दिया है, 3 पे आपके पास CH5 है, 5 के पास आपके पास CH3 है, 2 पे आपके पास प्लस है और 1 पे आपके पास CH3 है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पे हमने कुछ छोड़ा है, मतलब CH3 यहां पर हो, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म की बात करें तो आपको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन ये जो प्लस है वो हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां पे चला जाएगा या यहां पे चला जाएगा, ठीक है, तो प्लस का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप दोनों माइग्रेशन कर सकते हो। आप वैसे एग्जैक्टली चेक करने के लिए आप फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके रिंग में मूव कर सकते हो, प्लस को यहां ले जाओगे तो इसके पास 2 2 4 2 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम, यहां ले जाओगे इसके पास 3 2 5 1 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। यहां पर अगर यहां ले जाते हो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 और 3 7, तो ये जो होगा ज्यादा स्टेबल बनाएगा और इसलिए इसी का शिफ्टिंग होगा, ये जो है लेस स्टेबल बनाएगा। कैसे हम सोच रहे हैं, इस प्लस को फिर माइक यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसके पास 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ये 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम होगा इस प्लस के पास। इसमें अगर आप यहां पे ले जाओगे तो ये CH3 2 3 हाइड्रोजन यहां,
दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, सेवन हाइड्रोजन जो है यहां पर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो, और इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और ऊपर वाला कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन को समझ रहे होंगे, कैसे क्या सोचना होता है रिंग एक्सपेंशन के केस में। इसी तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस, अगर हम कुछ एग्जांपल है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, तो अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन है, प्लस CH3 है और आपको देख रहे हो कि सेवन मेंबर रिंग है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब अगर ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसमें जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के बगल में प्लस चार्ज लगा उसके बगल वाला पोजीशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो ये करेगा या ये करेगा। हालांकि आप समझ सकते हो कि ये सही है, ये डॉट वाला सही नहीं है, बिकॉज इधर जो है आपका 2 डिग्री अल्काइल शिफ्टिंग है, इधर 1 डिग्री अल्काइल शिफ्टिंग है। फिर आप नंबरिंग कर ला करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देख सकते हो कि आपने 6 को 1 से जोड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 पे आपके पास CH3 है और 6 पे ही आप देख सकते हो कि आपके पास CH2+ भी होगा। 6 पे ही आपके पास CH2+ भी होगा क्योंकि 6 जैसे ही आप इस बॉन्ड को यहां से ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के आपने इधर जोड़ा, इस 7 पे क्या हो जाएगा, 7 कार्बन एटम ये है और उस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस हुआ। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, ये प्लस है, आपके पास CH3 है, आपके पास इधर C2H5 है, ठीक है, और आपके पास यहां पे हम अभी फिलहाल ऐसे कर देते हैं, ये है और आप देख सकते हो कि इस कार्बन पे और इस कार्बन के बगल में प्लस है। अब अगर ये इधर से कॉन्ट मतलब करेगा तो ये 3 डिग्री का शिफ्ट हुआ, इधर से करेगा तो ये 2 डिग्री का शिफ्ट हुआ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 डिग्री अल्काइल का शिफ्ट प्रीफर्ड होगा कंपेयर टू 2 डिग्री अल्काइल, इसलिए हम इसको शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपने क्या किया है, 3 को 1 से जोड़ा है, 3 को 1 से जोड़ा है मतलब एक कार्बन एटम को आपने बाहर किया है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 3 पे आपके पास क्या है, 2 CH3 है, 7 पे आपके पास C2H5 था और 3 पे ही आपके पास क्या है, गौर कीजिए कि आपके पास जब इस बॉन्ड को आपने तोड़ करके इधर जोड़ दिया, इस बॉन्ड को आपने क्लीव किया इस बॉन्ड को और आपने इधर जोड़ दिया, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा गड़बड़ है, यहां पे हमको लग रहा है कि कार्बन, इस कार्बन के पास और की जगह इस कार्बन के पास जो है 4 बॉन्ड है। अब अगर हम इसको इससे जोड़ देते हैं तो 1 पे क्या होगा, CH2+ बन जाएगा, 1 पे क्या होगा, CH2+ बन जाएगा। यहां भी इसी तरह से 1 पे CH2+ बनेगा, यहां पे मिस गलती हुआ है कुछ, यहां पे 1 पे ही क्या होगा, ये बॉन्ड 6 से खुल चुका है, 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 पे आपका ये वाला प्लस रहेगा, 7 पे प्लस होगा, 1 पे रहेगा। उस तरह से यहां पे भी 2 पे प्लस तो रहेगा लेकिन 1 से जुड़ा हुआ है, 3 से तो वो बॉन्ड टूट चुका है, इसलिए उसको आप नहीं करोगे। अब इसी तरह से हम एक और केस लेते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। तो आप देखोगे कि अगर हम ये केस लेते हैं, प्लस CH2 CH3
और इधर हम CFL लेते हैं। आप इधर से शिफ्ट करो और इधर से शिफ्ट करो, वन टू। अगर आप वन तरीके से करते हो शिफ्ट, तो आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आपके पास सिक्स नंबर रिंग है। और आप देख सकते हो आपने वन को जोड़ दिया है थ्री से, फोर फाइव सिक्स सेवन, और वन पे हो जाएगा सी एस टू प्लस दो वाला। और उसके बाद आप देख सकते हो थ्री पे आपके पास है सी एस थ्री, और सिक्स पे पास है आपके पास सी एस टू सी एस थ्री। और उसके बाद अगर आप टू के तरीके से बढ़ते हो, तो टू के तरीके से बढ़ोगे तब भी आपके पास सिक्स नंबर रिंग होगा। और आपने क्या किया है, सेवन वाला जो प्लस होगा वो यहां होगा, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सी एस टू सी एस थ्री। तो अगर ये प्लस शिफ्ट करेगा, तो अगर ये प्लस शिफ्ट करेगा तो यहां जाएगा, फिर ये प्लस क्या होगा शिफ्ट होकर के यहां जाएगा, यहां जाने का मतलब है छह हाइपर कंज्यूगेबल हाइड्रोजन आइटम, और यहां पर जाने का मतलब है सेवन हाइपर कंज्यूगेबल हाइड्रोजन आइटम। तो ये स्लाइटली मोर स्टेबल हो, और स्लाइटली मोर स्टेबल होने के कारण यही जो होगा शिफ्टिंग ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू दिस वन। हम यही सोच रहे हैं कि ये प्लस शिफ्ट होकर हाइड्रोजन शिफ्ट होकर प्लस यहां गया, प्लस अगर यहां गया तो इसके पास तीन एक चार और दो छह, इसके बाद प्लस हो गया यहां शिफ्ट किया तो इसके पास तीन दो पांच और एक छह। यहां पर देखिए प्लस यहां शिफ्ट किया तीन दो चार, तीन दो पांच और एक छह, उसके बाद प्लस यहां शिफ्ट किया तो आप देख सकते हो कि दो दो चार और एक पांच, स्लाइटली मोर स्टेबल होगा यहां पर, इसलिए इसको हम ज्यादा प्रिफरेबली शिफ्ट करेंगे। हालांकि यहां पर एग्जैक्ट डिसाइड कर पाना कि कौन ज्यादा शिफ्ट करेगा कौन कम शिफ्ट करेगा ये थोड़ा मुश्किल केस है, ठीक है। तो आपको याद यही रखना है कि कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट होगा अगर आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है, ठीक है। कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट के कारण ही रिंग का कॉन्ट्रैक्शन और रिंग का एक्सपेंशन होता है, बिकॉज थ्री फोर मेंबर रिंग के पास एंगल स्ट्रेन ज्यादा है कम स्टेबल होगा, उसी तरह से सेवन एट मेंबर रिंग के पास एंगल स्ट्रेन ज्यादा है कम स्टेबल होगा, और इसलिए दोनों स्मॉलर रिंग एक्सपेंशन करेगा, लार्जर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और मोर स्टेबल फाइव मेंबर रिंग सिक्स मेंबर रिंग बना। अब देखिए कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, नोट में करके एक बात समझिए। इन कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट ये मिस्टेक करते हैं लोग, इन कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट इट इज नॉट पॉसिबल to gain a more stable carbocation through formation of less stable carbocation। ये संभव नहीं है कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने थ्रू ए लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। जब भी फॉर्मेशन होगा तो सक्सेसिवली मोर स्टेबल ही बनेगा। जैसे कि कोई अगर इस तरह से प्रोसीड करता है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, ठीक है, सी एस टू प्लस, तुम्हारे ये सिचुएशन है, ठीक है। तो पहले शिफ्ट करेगा यहां से हाइड्रोजन एस शिफ्ट, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास बनेगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और फिर सी एस टू सी एच प्लस और सी एस थ्री। इसके पास दो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, इसके पास पांच हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, बहुत अच्छी बात है। फिर एच शिफ्ट करते हो आप,
आपके पास बनेगा CH3, CH3 और फिर बन गया CH+, CH2 और CH3। इसके पास मात्र 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, इसलिए ये एस्केप होगा ही नहीं। भले ही आपको अगर लगेगा कि यहां पर फिर एक बार शिफ्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि CH3C+, CH3, CH2, CH3 और यहां पे आपको लग सकता है कि एच हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन लग सकता है, यहां है ही। तो ये जो प्रॉब्लम है, देखिए 2 से 5 ये ज्यादा स्टेबल हुआ और 5 से 3 ये कम स्टेबल हो गया। भले ही उसके बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन हम लोग इस कार्बोकेटायन को नहीं बनाएंगे बिकॉज ये एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट तभी होगा जब सक्सेसिवली आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड बढ़ता जाता है। मतलब यहां से यहीं तक हो पाएगा, इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के प्रयास में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो बना दो वो लेस स्टेबल बन जाए। जब भी कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट होगा तो स्टेबिलिटी सक्सेसिवली कार्बोकेटायन का बढ़ता है, कभी भी घट करके बढ़ेगा वो प्रोसेस नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कार्बोकेटायन के पार्ट को फिनिश कर रहे हैं।